important of wife in life. Wife है तो life है, ये title आपको कैसा लगा? Wife है तो life है, अगर wife नहीं है तो life समझो नहीं है। तो मैं मिथिलेश चौधरी हर इंसान को यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने वाइफ का कदर करना सीखो, अपने फैमिली का कदर करना सीखो। आप सोचते हो कि लाइफ ऐसे ही हम संभाल लेंगे, अकेला जी लेंगे, अकेला सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वाइफ है तभी आपका लाइफ है, क्योंकि मेहनत कितना भी करोगे, जिस दिन आप कभी नाराज हो जाते हो, कभी मतलब अपने लाइफ में परेशान हो जाते हो, तो आपको उस टाइम में रास्ता दिखाने वाला, सही मार्गदर्शन करने वाला और कोई नहीं, एक अच्छा सलाहकार आपका वाइफ ही होती है, जो आपको उस डर से, उस टेंशन से निकाल करके बाहर लेके जाती है। वैसे वाइफों को आप शुक्र गुजार रहे। और कुछ ऐसे भी लाइफ में कुछ लोगों को वाइफ मिलती है जो अपने हस्बैंड को कदर नहीं करती है, मारने को दौड़ती है, डेली गाली गलौज करती है, तो ऐसे औरतें को आप देख लेना कि उसका संबंध जो है गैर पुरुषों से होता है जो आपके कदर नहीं करते हैं। इस चीज़ ध्यान रखो, उसका निगरानी रखो। और जो वाइफ आपके डांट पर भी रोने लगती है, आपके जब गुस्सा होता तो संभल जाती है, जवाब नहीं देती है, उस तरह के जो औरत होती है, जो वाइफ होती है, वाकई लक्ष्मी का रूप होती है। वैसे औरतों को आपको संभाल की जरूरत है। मैं मिथिलेश चौधरी आज मैं भी उस नाव में सवार किया 2002 से, आज 2023 हो गया। मेरा लाइफ जो है मैरिज लाइफ बहुत सक्सेस रहा, आज 21 इयर्स कंप्लीट हुआ मेरा। तो आज जो भी हम आपके सामने बोल पा रहे हैं, मैं अपना हकीकत एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। नहीं तो सदाबहार चाहिए तो अपने वाइफ की कदर करना सीखो और अपने बच्चों को भी कदर करना सीखो। दुनिया जो है आपका मजाक उड़ाती रहती है, कोई आपको सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है। आजू बाजू लेफ्ट साइड कितना भी आपके लोग जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ लेने के लिए जुड़े हुए हैं, बाकी कुछ देने वाले कोई नहीं दिया है। एक माँ के बाद, एक बाप के बाद अगर कोई आपको संभालने वाला है तो आपकी घरवाली है जो आपको संभालती है। और देखिए, माँ बाप भी आपको जैसे एज होता है 30-35 साल जाते हो, 40 साल जाते हो, तो 30-35 साल 40 जाते रहते आप बहुत कम लोगों के साथ माँ बाप आपको सपोर्ट करने के लिए रहते हैं। जैसे आप एडल्ट होते हो तो माँ बाप हर आदमी का 30-40 साल जैसे आपका एज होता है तो गुजर जाते हैं, बहुत कम लोग के साथ रहते हैं।